नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने WIR स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज अपने बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। ये अपना चैनल है, इस चैनल पे अगर आज अपने आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे अपने बात करते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। उससे पहले मैं बता दूँ कि कल विजय दिवस था, 16 दिसंबर 1971 को, जो अपने बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अपने विजय हुए थे, भारत विजय हुआ था और पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इन दोनों इसी युद्ध की वजह से बांग्लादेश है वो बना था। और इन बांग्लादेश के बारे में बात करें तो जो मुजीबुर रहमान है वो इसके पहले पीएम बने थे, बांग्लादेश के पहले पीएम मुजीबुर रहमान। और उसके बाद में अब जो बनी है, अब वर्तमान में है, वो है शेख हसीना जुल्फों वाली। क्या? शेख हसीना है, ठीक है। आगे अपनी बात करते हैं, दिल्ली का डोज 17 दिसंबर 2020 की। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कि अमेरिका ने रूस से S-4000 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योग और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपके सामने ऑप्शन है तुर्की ने, इराक ने, या ईरान ने, या पाकिस्तान ने। चलो बताओ, इराक के बारे में देखते हैं तो इराक की जो राजधानी है वो है अंकारा, ठीक है, तुर्की की, सॉरी। और इराक के बारे में देखें, इराक की राजधानी, और ईरान, इराक की है बगदाद, और ईरान की है वो है तहरान। क्या? ईरान की राजधानी ईरान, तहरान। और ये आपका फेवरेट देश, इसकी राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तुर्की। ये आपके सामने मैप में लगा है, तुर्की का नक्शा है वो देश में, ये है तुर्की, ये आपके सामने जिसकी पिक्चर लगी हुई है, ये है तुर्की। और तुर्की का जो स्मारक, जो झंडा है वो ये है, ठीक है, तुर्की का राष्ट्र ध्वज है। ये यूरेशिया में स्थित है। वैसे ये जो एशिया महाद्वीप, ठीक है, ये इतना एशिया महाद्वीप, एशिया और यूरोप दोनों की सीमा पर है। ये आधा एशिया में आता है और आधा यूरोप में आता है। तो जो आधा एशिया में आता है उसका नाम तो है अनातोनिया कहते हैं उसे, और जो यूरोप में आता है उसे थ्रेस कहते हैं, थ्रेस, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो अंकारा है, ठीक है। और दुनिया का जो अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है वो है तुर्की। और बात करें तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है इसका। इसके जो वर्तमान में पीएम है वो है रीसे तैयिप इदोगान। क्या नाम? देखो इनका, रीसे तैयिप इदोगान यहाँ के पीएम है, और राष्ट्रपति है बिन अली यल्द्रम। आगे अपने बात करते हैं, यह आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर क्वेश्चन कि ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है 10 जनवरी को, 15 मार्च को, 14 दिसंबर को, या 12 अप्रैल को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 14 दिसंबर को। इसके मुख्य तथ्य की बात करते हैं, जो ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो वो किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE द्वारा हर साल ये आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा मनाया जाता है। और ऊर्जा मंत्री अपने कौन है? पीयूष गोयल। इनके पास रेल मंत्री का प्रभार भी है, रेल मंत्री भी पीयूष गोयल है, ठीक है। ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री राजस्थान के, क्या? राजस्थान के ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री कौन है? वो है बुलाकी दास कल्ला, मतलब BD कल्ला है, ठीक है। और भारत के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है वो कब आया था? 2001 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा लागू किया गया था, ये अधिनियम था भारत में, ऊर्जा अधिनियम 2001। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे अपने बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, यह आपकी स्क्रीन पे 3 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान है किसे बनाया गया है। ऑप्शन है क्विल्टन डिकॉक को, या डॉफ डू प्लेसी को, या होसिम अमला को, या केशव महाराज को। ये देश है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका ये देश है, तो इसका बनाया गया है वो है क्विल्टन डिकॉक को, ठीक है। और ये जो अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, उसका जो स्मारक है, झंडा है, वो है, ठीक है। आगे अपने बात करें
इसकी जो राजधानी है वो तीन है। कितनी है राजधानी? तीन है। कैसे? तीन कैसे है? तो एक तो जो कार्यपालिका न्याय जो राजधानी है वो है, एक न्यायिक है और एक विधायी राजधानी है। जो कार्यपालिक राजधानी है वो है प्रिटोरिया, है वो प्रिटोरिया। और जो ब्लोम फोर्टेन है वो एक न्यायिक राजधानी है, और केम टाउन है वो विधायी राजधानी है। कितनी राजधानी है? दक्षिणी अफ्रीका की, दक्षिणी अफ्रीका की तीन राजधानी है। पेट्रो जो है पेट्रोरिया, या एक इसमें तीन है, पेट्रोरिया कार्यपालिका राजधानी है और न्यायिक राजधानी है वो है ब्लोम फोर्टेन, और जो विधायी राजधानी है वो है केम टाउन। और इसका जो दक्षिणी अफ्रीका है, इसका सबसे बड़ा शहर है वो है जोहान्सबर्ग। ठीक है, राजधानी पूछे तो ये होगी तीनों तीनों, ये बड़ा शहर है जोहान्सबर्ग। ठीक है, प्रेसिडेंट है वो हाल ही में अभी अब है वर्तमान में, तो वो है सीरियल रामाफोसा, जो 15 फरवरी 2008 से अब तक वर्तमान में, अब तक यही है प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति सीरियल रामाफोसा। ठीक है, आगे अपनी बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया है? तो कौन से शहर में किया है कि जो नोट है उनकी प्राप्ति, भंडारण मतलब इकट्ठा करने के लिए और भेजने के लिए एक स्वचालित जो बैंक प्रसंस्करण केंद्र है वो खोलेगा RBI। तो वो बताना है आपको कौन से स्थान पे खोलेगा। ये है RBI का लोगो, RBI अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो दिल्ली होगा या जयपुर होगा या पटना होगा, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। जयपुर के बारे में बात करें तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, जयपुर के बारे में और बात करते हैं, इसे पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी। ठीक है, जयपुर के बारे में और देखते हैं। जयपुर है वो 1949 में राजधानी बना था। ठीक है, आगे जो सवाई जय सिंह द्वितीय था, सवाई जय सिंह द्वितीय, उसने स्थापना की थी इसकी जयपुर शहर की। और ये ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति क्या होती है? उस ग्रिड पद्धति पे आधारित, मतलब उस ग्रिड पद्धति पर बसाया गया शहर है। ग्रिड पद्धति क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रिड पद्धति जैसे ये सड़कें हैं जो आपस में एक सम कोण पे काटती हो, सभी सड़कें आपस में सम कोण पे काटती हो, वही होती है ग्रिड पद्धति। पटना है वो बिहार की राजधानी है, दिल्ली अपने भारत की राजधानी है। ठीक है, और जो रांची है वो झारखंड की राजधानी है। आगे अपने बात करें RBI के बारे में, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 मुंबई के अंदर हुई थी, और इससे पहले कलकत्ता में हो चुकी थी, इससे पहले कलकत्ता में हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था। लगभग सभी देशों, सभी जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। अब 2019 में भी हुआ था राष्ट्रीयकरण, 20 में भी हुआ है। ठीक है, अब जैसे बड़े देश, बड़े जो बैंक है उनमें छोटे बैंकों का मिलाया गया है। अब सबसे बड़ा बैंक है जो, वो अपने SBI है। ठीक है, और वही किसके अंडर में है? RBI के। सभी बैंक है वो RBI के अंडर में है। ठीक है, और गवर्नर कौन है RBI का फिलहाल में? तो शशिकांत दास, शशिकांत दास। और जो जयपुर शहर है वो राजस्थान में है, वो अपनी बात कर ली थी अपने। आगे अपने बात करें, हवा महल हो गया, बहुत कुछ है जयपुर में। आगे ये आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों, मदरसे क्या होते हैं? मदरसे जैसे अपने स्कूल होते हैं, जैसे गुरुकुल होते हैं हिंदुओं के, उसी तरह जो मुस्लिम है उनकी मदरसा होती है, मदरसा होती है। ठीक है, मदरसा में क्या होता है कि उर्दू भाषा सिखाई जाती है, उर्दू, उर्दू भाषा है ना वो सिखाई जाती है। और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, मदरसे और जो संस्कृत स्कूल है उन्हें बंद करने की जो प्रस्ताव है उसे मंजूरी दी है। तो वो कौन से राज्य ने दिया आपको बताना है? बिहार ने दिया है, या दिल्ली ने, या झारखंड ने, या असम ने? ये आपके सामने पिक्चर लगी है, यही राज्य है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? असम, असम है ये। ठीक है, इससे ऊपर बात करें तो यहाँ पे है अरुणा, अरुणा, अरुणा चल प्रदेश, चल प्रदेश। मगर अरुणा क्या कहती है कि ना मम्मी मैं नहीं जाना। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा? ना मैं और मी। ठीक है,
तो इससे निचले वाला ये राज्य है वो ये है, ये नागालैंड है, और ये है जो मिजोरम है, और ये सॉरी ये मणिपुर है, और ये मिजोरम है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं अपने, ये ऊपर वाला है जो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये इससे नीचे वो कहती है नाममी, नाममी मतलब ये नागालैंड, ये मणिपुर, और ये मिजोरम, और ये नीचे क्या है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा, और ये मेघालय, ये है मेघालय, मेघालय। ठीक है, ये सात राज्य की अपनी बात कर ली, और असम का जो गठन हुआ था वो 1960 में ये राज्य बना था भारत का। आगे अपनी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नहीं इसके बारे में और तथ्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। असम के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो जगदीश मुखी है, और जो मुख्यमंत्री है वो है सर्वानंद सोनोवाल, जो भाजपा की है, भाजपा की है वो मुख्यमंत्री है सर्वानंद सोनोवाल है वो है। और राजस्थान के कौन है, राजस्थान के है अशोक गहलोत, वो कौन से है कांग्रेस के। और विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा एक सदनात्मक है, एक सदनीय है, अर्थात कि विधानसभा ही है इसमें, न कि विधानमंडल है। दो सदनात्मक वो होता है जिसमें विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो वो होती है द्विसदनात्मक। इसमें जो विधानसभा है उसकी सीटें हैं 126, तो राजस्थान में कितनी है 200। ठीक है, राज्यसभा की सीटें हैं 7, राजस्थान में कितनी है 10 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की है 14 सीटें, और राजस्थान में कितनी है 25। ठीक है, और इसका जो उच्च न्यायालय है वो है गुवाहाटी में, गुवाहाटी में, मगर इसकी जो राजधानी है वो गुवाहाटी नहीं है, वो है दिसपुर, दिसपुर, दिसपुर असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, और बड़ा शहर है वो, इसकी राजधानी ये रही, और सबसे बड़ा शहर है वो गुवाहाटी है। आगे अपने बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, कि हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये आपका सबसे फेवरेट, आपका फेवरेट पाकिस्तान। ठीक है, जो सिंध में हुआ है, सिंध के जो बोलारी क्षेत्र है वहाँ पे किया गया है ये, तो आपको बताना है ये युद्ध अभ्यास है, कौन सा युद्ध अभ्यास, शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास है वो किया है, तो कौन से देशों ने किया है। पाकिस्तान के साथ एक और कौन सा था, पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त वही चाइना। ठीक है, चाइना होगा इसका, ये रहा चाइना, चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। ये चाइना की राजधानी बीजिंग, चाइना है इससे नीचे, ये अपना भारत है। ठीक है, इंडिया, ये बीच में नेपाल आ गया, नेपाल बीच में आ गया, तो ये क्या है, बफर स्टेट, बफर स्टेट है। ठीक है, बफर स्टेट क्या होता है, जैसे ये है सबसे बड़ा बफर स्टेट है मंगोलिया, कि जैसे दो बड़े देश हैं उनके बीच में एक छोटा देश आ गया हो, उनकी चपेट में बीच में आ गया हो, उसकी कोई सीमा नहीं लगती हो, जल से ओनली थल थल से सीमा लगती हो, वही होता है बफर स्टेट। ये चाइना की सीमा है, चाइना की सीमा मंगोलिया से लगती है, रूस से भी लगती है, यहाँ पे जो कोरिया है, कोरिया उससे भी लगती है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया जिसकी जो प्योंगयांग जिसकी राजधानी है। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पे ये कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, और भारत से सीमा लगती है, और अफगानिस्तान भी है यहाँ पे। ठीक है, आगे अपने बात कर लेते हैं, ये बीजिंग, बीजिंग राजधानी है। ठीक है, बीजिंग राजधानी है, मास्को है वो रूस की राजधानी है, टोक्यो है वो जापान की राजधानी है, और दिल्ली है वो अपने भारत की राजधानी है। चीन का जो राष्ट्रपति है वो सी जिनपिंग है, रूस का जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और जो रूस के पीएम है, प्रधानमंत्री है, वो है मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, आगे जापान की बात करें, जापान के जो पीएम है वो है योशिदे सुंगो। ठीक है, और जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो है आसिफ अलवी, आपके फेवरेट राष्ट्र, पाकिस्तान के फेवरेट प्रधानमंत्री आपके इमरान खान। ठीक है, ये जापान है, ये जापान, जापान हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया था वो ही जापान है, ये यहीं पे गिराया गया था। ठीक है, ये अब हाल ही में चाइना को टक्कर दे रहा है, चाइना को, चाइना के हाल ही में जो दांत खट्टे करवा दिए, इसका जो एक द्वीप है उस पर कब्जा कर रखा है। ठीक है, और जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, येरी टोक्यो। ठीक है, आगे अपनी बात कर लेते हैं, ये 7 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मोरक्को और इजराइल, मोरक्को एक क्या है देश है, मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में
अपने संबंधों को सामान्य करने का जो करने पर सहमति व्यक्त की है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका। किस किस के बीच में? मास्को और इजराइल, ठीक है। इजराइल, ये नक्शा इजराइल का आपके सामने, ये रहा इजराइल, ये ठीक है, ये इजराइल है, ठीक है। और इजराइल के बारे में और बात करें तो जो ये जेरूसलम, इसकी जो राजधानी है वो है जेरूसलम, ठीक है। जेरूसलम इसकी राजधानी है। ये यहाँ पे जॉर्डन, ठीक है, इस तरफ जो है सीरिया ऊपर है, लेबनान है, ठीक है। इसकी जो आगे अपने और बात करते हैं, ये जो मिस्र है, मिस्र से सीमा लगती है, ये नीचे है, ये है जो ये मिस्र है, मिस्र, ठीक है। यहीं से जो स्वेज नहर है ना, वो ये भूमध्य सागर है, ऊपर ये लाल सागर है, इसे जोड़ने के लिए यहाँ से स्वेज नहर निकाली गई थी। आगे अपने बात करें तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो है बेनी गेटेज, और जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है बाइडेन और कमला हैरिस, इन दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का जो अवार्ड है वो किन्हें दिया गया है? बाइडेन और कमला हैरिस, कमला बुआ और बाइडेन को। और जापान के बारे में बात करते हैं, जापान के जो पीएम है वो अपने पहले बात कर ली थी, योशिदे सुगो, और चीन के जिनपिंग, जो सी जिनपिंग है वो, और राजधानी बीजिंग, ठीक है। वुहान शहर से यहीं पे कोरोना का जन्म हुआ था। आगे अपने बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की नीति आयोग ने हाल ही में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है, तो आपको बताना है। जो ऑप्शन है विजन 2030, विजन 2035, विजन 2025 या 2022, तो इसका सही आंसर बताना है। इतने में आपको बता दूं कि जो गठन है वो इसका 2015 में हुआ था नीति आयोग का, और इसके अध्यक्ष है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जो ही प्रधानमंत्री होगा नीति आयोग का, वो ही अध्यक्ष होगा। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वो ही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विजन 2035। आगे अपने बात करते हैं, अब वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे इन्हें, इतना टाइम नहीं लगाएंगे अपने। 17 दिसंबर के वन लाइनर क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करेंगे। इंडिया के किस राज्य ने 15 दिसंबर 2020 को लोनार, तो एक झील है लोनार, ठीक है, लोनार झील है महाराष्ट्र में, ठीक है, और वो बनी है ज्वालामुखी से, क्रैटर झील है एक, ठीक है। और इसका लोनार, जो लोनार महोत्सव है, उसका संबंध है लद्दाख से, और लद्दाख की राजधानी लेह है, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगाएंगे अपने, जल्दी जल्दी करेंगे। और किस राज्य ने 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, और यही एक बंदरगाह भी है, ठीक है। और बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप 2023 की जो मेजबानी है वो कौन करेगा? वो करेगा उड़ीसा, उड़ीसा के जो उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है वो है भुवनेश्वर है, वो है राजधानी उड़ीसा की, ठीक है। और नवीन पटनायक है वो यहाँ के जो सीएम है, वो है नवीन पटनायक, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं, ये इसरो आ गया आपके सामने, किसने संचार उपग्रह CMS 01 को लॉन्च करने की घोषणा की है, वो कि इसरो ने, इसरो की फुल फॉर्म देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो इसकी स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 में, आज से 51 वर्ष पहले, ठीक है, 1569 में। मुख्यालय बेंगलुरु है, वो कर्नाटक की राजधानी है। और जो प्राथमिक इनका जो फेवरेट इनके बंदरगाह है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इनका आदर्श वाक्य, और इसके जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर के सिवान, निदेशक है, ठीक है, इसरो के जो निदेशक है वो है के सिवान, ये इसरो का लोगो। आगे बात करें, किस देश ने 14 दिसंबर को शहीद बौद्धिक दिवस मनाया है, तो वो बांग्लादेश ने, ठीक है, बांग्लादेश ने बनाया है 14 दिसंबर को, और ये अपने 16 दिसंबर को एक नया राष्ट्र बन गया था, नया राष्ट्र, और नए राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री थे मुजीबुर रहमान,
मुजीबुर रहमान, और इनके बाद में वर्तमान में वो है हसीना जुल्फों वाली, ठीक है, शेख हसीना जुल्फों वाली। और जो छठा है, इसका किस राज्य ने अपने प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना बनाई है, तो वो उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ, और जो अपने राज्यपाल है वो है आनंदी बेन पटेल, ठीक है। इनके पास एक एमपी का भी प्रभार है, ठीक है। पहले लालजी टंडन थे, लालजी टंडन का जैसे देहांत हो गया, उसके बाद में जो आनंदी बेन पटेल थी, इन्हें भी मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है वो बनाया गया, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, कि सुप्रीम कोर्ट ने बाल देखभाल जो संस्थान के बच्चों को कितने रुपए मासिक देने का आदेश दिया है, तो 2000 रुपये मासिक उन्हें देना होगा, ठीक है। जो देखभाल संस्थान है उन वो देंगे बच्चों को, ठीक है। और 8 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु चेन्नई राजधानी, और यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया, तो वो गाजियाबाद में, गाजियाबाद एक उत्तर प्रदेश का शहर है, उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल। आगे अपने बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, ये वन लाइनर थे, इससे पहले मैंने ऑप्शन वाले मैंने करवा दिए हैं, अगर आप लेट हैं तो उससे पूरा वीडियो देख लें, ठीक है, शुरू से। और गोल्डन मैन जो पर्यावरण पुरस्कार 2020 है वो किसने जीता, तो वो पॉल सिन ट्यूबा है, उसने जीता था, कौन सा गोल्फ जो पर्यावरण पुरस्कार है 2000 वो जीता था, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हाउ टू पीडीएफ तो आपको कहाँ मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसका लिंक, टेलीग्राम, और अगर जैसे सीधा आप सर्च करोगे वहाँ पे टेलीग्राम में WIR Study Point, तो अपना एक ही चैनल है वो ही आएगा, ठीक है, और उसे ज्वाइन कर लें, और इसका जो पीडीएफ है वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। चलो फिर मिलेंगे कल दोस्तों, ओके।